हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो डैशबोर्ड है अपना, उसका इल्यूमिनेशन कैसे सेट कर सकते हैं। मुझे ये कमेंट्स में किसी ने पूछा था और वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हम जो लाइट इंटेंसिटी है या फिर इल्यूमिनेशन है डैशबोर्ड का आपके, वो कैसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिकली आप रात को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। अभी अंधेरा नहीं है तो इसके लिए आपको ज़्यादा फर्क ना लगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए आपको अपनी जो लाइट्स हैं उसको ऑन करना पड़ेगा। तो आइए ऑन करते हैं। ये देखिए, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट है अपना, ये डिम हो गया और यहाँ पर लाइट्स ऑन हो गई हैं, जो आपको बेसिकली रात को ही दिखेंगी, दिन में आपको विजिबल नहीं है। तो आप इसकी इंटेंसिटी सेट करने के लिए, जैसे जैसे ही आपने लाइट्स ऑन करी, ये वाला बटन दबाइए सेट का। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर इल्यूमिनेशन का ऑप्शन आ जाता है। और जैसे ही आप इसको वापस से दबाएंगे, ये देखिए इल्यूमिनेशन का कम होगा और बढ़ेगा भी। देखिए, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटेंसिटी जैसे ही इस सेट वाले बटन को मैं दबा रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ रही है, और जैसे ही वापस से दबा रहा हूँ, इंटेंसिटी कम भी हो रही है। तो इस तरह आप अपने डैशबोर्ड की जो लाइट्स हैं उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी हेडलाइट्स को एक बार ऑन करके जो लाइट इंटेंसिटी, ये सेट बटन दबाकर लाइट इंटेंसिटी या फिर इल्यूमिनेशन जो आपको डैशबोर्ड पर यहाँ पर दिखती है हर जगह, आप उसको सेट कर सकते हैं। आप इसका डिफरेंस ओनली रात को ही देख पाएंगे। हालांकि यहाँ पर अभी दिन में ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपके वीडियो काम आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।